आजकल हम सबको पता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। ये कहानी 3 अप्रैल 2020 की है। मैं अपनी मम्मी के साथ एक्रॉन ओहेहू में रहती हूँ। मेरी मम्मी नर्स है और वो क्लेवलैंड क्लिनिक हॉस्पिटल में हफ्ते के 5 दिन काम करती है। उस दिन मेरी मम्मी काम के लिए शाम को 8 बजे निकल गई थी, सो मैं घर पर अकेली थी। मैं 17 साल की हूँ तो घर पे आराम से अकेले से रह सकती हूँ। जैसे ही मम्मी काम पे गई, मैंने सोचा अपने लिए डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था खुद बना के खा लेना। 9 बजे मैं अपना खाना लेकर खाने के लिए बैठने ही लगी थी कि मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने अपने फोन पर फिर से टाइम देखा और उस समय 9:04 हो रहे थे। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि उस टाइम थोड़ा लेट था। मैंने पीप होल से देखा तो कोई आदमी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे पूछा उसे क्या चाहिए। उसने मुझे पूछा कि गीगी घर पर है। मैंने उसे कहा यहाँ कोई गीगी नहीं रहती है। फिर उसने कहा ओ, और मुझे उसने पूछा पक्का। मैंने कहा हाँ पक्का। उसने एक पिक्चर निकाली और पीप होल पे लगाई और उसने कहा इस पिक्चर में गीगी है। उस समय मुझे उसे बोल देना चाहिए था कि वो यहाँ नहीं रहती, पर मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने उसे बोला मुझे पीप होल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसने फिर बोला कि मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए ताकि वो मुझे पिक्चर दिखा सके। मैंने कहा कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है। वो मुझे बार बार बोल रहा था कि एक बार पिक्चर देख लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना मास्क पहना और दरवाजा खोल दिया, पर मैंने डोर की चेन लगाई रखी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई स्वेयर उस आदमी ने दरवाजे को थोड़ा धक्का सा दिया। फिर जब दरवाजा नहीं खुला तो वो थोड़ा चौंक गया। मैंने उसे बोला कि ये क्या कर रहे हो। उसने कहा सॉरी मैं गिरने वाला था। मैंने कहा नहीं तुम हिले भी नहीं थे, और दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। मैंने पीप होल में से देखा और वो आदमी भाग कर जा रहा था। मैं 20 मिनट तक उस पीप होल से बाहर देखती रही कि कहीं वो वापस ना आ जाए। अब 1 घंटा हो चुका था और जैसे ही मैंने उस अजीब से आदमी के बारे में सोचना बंद किया, दरवाजे पे फिर से खटखट की आवाज आई। मैंने फिर से टाइम देखा, उस समय 10:32 हो रहे थे। मैंने फिर से पीप होल में से बाहर देखा, वहाँ एक जवान औरत खड़ी थी जिसने व्हाइट ड्रेस पहना था। उसके काले बाल मुंह पर आ रहे थे और वो बस वहाँ खड़ी थी। उसके बालों के वजह से उसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर ऐसा लग रहा था वो बहुत रो के आई है। मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हाँ, और वो बीच में ही रुक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, फिर ठीक से बोला मैं उस ग्रुप से हूँ जो आपके एरिया में कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी ताकि मैं तुम्हारा टेस्ट कर सकूं? ये टेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता उसने दरवाजे का पीप होल नोटिस भी किया था। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा और किसी को खुसफुसाया, पर मुझे दिखा नहीं वो कौन था। मैंने उस आदमी को फिर से देखा, वो उसके पीछे से आया और वो मेरे घर के पीछे की तरफ गया। मैं पीछे के दरवाजे पर भागते हुए गई चेक करने के वो लॉक तो था ना। मैंने बाहर देखा पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं मेन दरवाजे पर फिर से भागती हुई गई और पीप होल में से झांका। वो औरत वही खड़ी हुई दरवाजे को घूर रही थी, ना वो हिल रही थी और ना ही अपनी पलक झपक रही थी। फिर मुझे सुनाई दिया कोई पीछे से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो पहले वाला आदमी ही था, पर वो एक और आदमी के साथ था। मैंने चिल्ला के कहा कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, और फिर मैंने उन्हें वहाँ से भागते हुए सुना। फिर वो मुझे मेरे साइड विंडो से भागते हुए दिखे। मैंने वापस पीप होल से देखा तो मैंने वो आदमी उस औरत को खींचते हुए ले जा रहा है ये देखा। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। पुलिस आई और उन्होंने कहा कि शायद कोई मजाक कर रहा था। उसके बाद मैंने अपने पास में रहने वाले एक लड़के से गन खरीद ली और अब मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। ये मेरे साथ 30 मई 2020 को हुआ था। मेरे पेरेंट्स मेरे घर से कुछ घर छोड़कर रह रहे थे। वो मेरी आंटी के घर पे रह रहे थे। मेरी आंटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एनीवे सुबह के 4 बज रहे थे। मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात को सोता नहीं हूँ, तो मैं प्लेस्टेशन पे था, द लास्ट ऑफ अस खेल रहा था और साथ में कोक पी रहा था। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैंने गेम पॉज कर दी और जाके हल्का होने लगा। जब मैं हाथ धो रहा था तो मैंने सुना कोई मुझे घर के बाहर से आवाज लगा रहा था, पीछे के दरवाजे के पास से। अभी इस बात को इतना टाइम भी नहीं हुआ था कि हमारे घर पे पहले भी कोई घुस चुका था। मैं बहुत डर गया। मैं भागते हुए पापा के कमरे में गया और वो केस निकाली।
जिसमें पापा ने अपनी पिस्तौल रखी थी। पिछली बार जो हुआ था उससे पापा काफी डर गए थे और उन्होंने एक मैग्नम 44 खरीद ली थी, यही सोच के कि शायद इस्तेमाल करनी पड़े। मुझे ये पता नहीं होना चाहिए, पर मेरे भाई ने मुझे ये बात बता दी थी और उसको पापा ने। मैंने पिस्तौल उठाई और पापा के बेड के नीचे जाके छुप गया। पीछे के बाहर वाले दरवाजे के खुलने की आवाज आई, फिर ऐसा लगा कि कोई अंदर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं सोच रहा था कि शायद उसे वो दरवाजा नहीं खुलेगा और वो चला जाएगा, बट ऐसा लगता है इस साल तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। बाय द वे, मैं इंदौर में रहता हूँ। अब उस आदमी ने दरवाजा खोल लिया और वो मेरे घर के अंदर घुस गया। पीछे का दरवाजा बेसमेंट को जाता है। मुझे उसके नीचे जाने की आवाज आ रही थी। मैं भूल गया था कि मेरा फोन मेरे जेब में ही पड़ा था। मैंने पुलिस को कॉल किया। जैसे ही ऑपरेटर ने फोन उठाया, मुझे सुनाई दिया कि वो आदमी अब ऊपर आ गया था और किचन में घुस चुका था और उसने सारे ड्रॉवर्स और अलमारी खोलने और बंद करने शुरू कर दिए थे। मैं ऑपरेटर से बात ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो आदमी मेरे बहुत ही ज्यादा पास आ चुका था। फिर वो आदमी पापा के बेडरूम में घुस आया। उसने लाइट ऑन की और मेरे पापा की फाइल्स में ताक झाक करने लगा। वो एक मोटा आदमी था जिसने एक सफेद रंग का रोब पहना हुआ था और फिर मेरे फोन में एक अलर्ट आ गया। वो एक टेक्स्ट था मेरे दोस्त का जो पूछ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वही दोस्त था जिसके साथ मैं ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहा था। मैं और डर गया और डर के मारे अपने दांत पीसने लगा। मैंने अपने आप से पूछा कि मैं किसी को शूट कर सकता हूँ। मैंने रियलाइज नहीं किया कि मेरा फोन साइलेंट पे था तो वो सिर्फ वाइब्रेट हुआ था, पर उस आदमी ने कुछ तो सुना था। फिर वो पापा के बिस्तर के चद्दर वगैरह हटाने लगा। मैंने पिस्तौल का ट्रिगर टाइटली पकड़ लिया और फिर मैंने उस आदमी को कमरे से बाहर जाते देखा। फिर वो मेरे घर के दूसरे साइड में चला गया। मैंने अभी कॉल पे ऑपरेटर को पूरी सिचुएशन समझाई। शायद एक केकेके मेंबर मेरे घर में घुस आया था, क्योंकि ऐसी बातें उड़ी थी कि केकेके मेंबर्स हमारी कॉलोनी के आसपास आ गए हैं। अब ऑपरेटर ने सजेस्ट किया कि मैं छुपके ही रहूं। फिर मुझे उस आदमी के वापस किचन में जाने की आहट हुई और फिर बहुत जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। फिर एकदम से पुलिस के सायरन्स बजने की आवाज सुनाई दी। मुझे सुनाई दिया कि वो आदमी बहुत घबरा गया है और डरते हुए पीछे के दरवाजे से वापस बाहर भाग गया है। मैंने अपने पापा के रूम की खिड़की से देखा कि वो आदमी हमारे गैरेज में जा रहा है। मैं मेन डोर से बाहर गया और दो फीमेल ऑफिसर से मिला और उन्हें सब कुछ बताया। ये भी बताया कि वो आदमी मेरे गैरेज में छुपा है। मैं एक ऑफिसर के साथ वहीं पे खड़ा रहा और दूसरी ऑफिसर गैरेज में देखने के लिए गई। वो 5 मिनट बाद वापस आई और बोली कि वहाँ कोई नहीं है और गैरेज की एक खिड़की खुली है। मैंने अपने मम्मी पापा को फोन करके बुलाया। मेरे मॉम डैड घर आ गए। हमने FIR लिखवाई और फिर पुलिस वहाँ से चली गई। मेरे पापा पैरानॉइड हुए और वो गैरेज में देखने के लिए चले गए और उन्हें एक सफेद रंग का कपड़ा अपनी गाड़ी के नीचे दिखा। मुझे नहीं पता कि वो सही में केकेके था, पर वो मेरे लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था क्वारंटाइन के टाइम का। अब मेरे पापा ने CCTV कैमरा इंस्टॉल करवा दिए है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे वक्त पे आप सब आपका ध्यान रखिए। ये मेरे और मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था। हम दोनों भी तभी 23 साल के थे। हम दोनों ने 2 रातों के लिए एंडी रोंडेक माउंटेन्स पे एक बैकपैक ट्रिप प्लान किया जो कि न्यूयॉर्क में है। हम दोनों को नेचर बहुत पसंद है और हम ज्यादातर हंटिंग, कैंपिंग या फिशिंग करते हैं। हमने एक छोटे लेक पे पहुंचने के लिए 5 मील तक हाइकिंग की ताकि हम बीच साइड पे अपना कैंप लगा सके। हमने सोचा नहीं था हमें वहाँ कोई और मिल सकता है। पहली रात को हम आग जलाकर बैठे थे। तकरीबन 10:30 बजे हमने देखा लेक की दूसरी तरफ एक फ्लैश लाइट इधर उधर चल रही है। ये थोड़ी असामान्य बात थी, पर हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ये फ्लैशलाइट लेक के आसपास चलती दिखने लगी हमारे कैंप वाली साइड। हम सोच रहे थे कि आधी रात को जंगल के आसपास कौन मंडरा सकता है। हम किसी भी बिन बुलाए मेहमान को एंटरटेन नहीं करना चाहते थे, पर जैसे ही हमें पता चला कि वो आदमी या जो भी था हमारे कैंप साइड की तरफ आने लगा, हम पास की झाड़ियों में जाके छुप गए।
हम वहाँ पे छुपकर देखने लगे कि आखिर कौन हो सकता है। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी और मेरे दोस्त के पास एक बंदूक थी। हम कोई मुसीबत नहीं चाह रहे थे, ना ही हम कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते थे, पर हमने सोचा हमें फिर भी सतर्क रहना चाहिए। अब सच्चाई का सामना करने का टाइम आ गया था। जैसे ही वो फ्लैशलाइट हमारे कैंपफायर की तरफ आई, हमने देखा वो एक आदमी था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और वो तकरीबन 40 कुछ वर्ष का होगा। डरने वाली बात ये थी कि उसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो हमारे कैंप के चारों ओर देखने लगा, फिर हमारे कैंप के अंदर चला गया। एक मिनट बाद वो बाहर आया और चिल्लाने लगा, मुझे पता है तुम यही कहीं हो, मुझसे आके मिलो। मैं और मेरे दोस्त 50 यार्ड दूर एक हेमलॉक के पेड़ के नीचे छुप करके बैठे थे और तभी उस आदमी ने झाड़ियों में अपनी बंदूक चलाना शुरू की। हमसे ज्यादा दूर नहीं था वो। उसने कई बार अपनी फ्लैशलाइट भी चारों तरफ घुमाई। तकरीबन एक घंटे बाद उस आदमी ने मेरे दोस्त का बैकपैक उठाया और कुछ और कपड़े भी जो आग के पास सूख रहे थे ले लिए और उन सबको आग में जला दिया। मेरे दोस्त ने अपनी राइफल उस आदमी की तरफ पॉइंट की हुई थी और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो शूट कर दे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जब तक वो अपनी गन हमारी तरफ पॉइंट नहीं करता। शुक्र है वो आदमी कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। हमने फ्लैशलाइट को लेक के दूसरी तरफ पहुँचने का इंतजार किया। हम जल्द से कैंप के पास गए, अपना सारा सामान उठाया और वहाँ से भाग गए। इस समय रात के 2 या 3 बज रहे थे। हम अपनी फ्लैशलाइट की हेल्प से मेरी गाड़ी तक पहुँच गए। तब तक सूरज भी निकलने वाला था। हम वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने गए और हमने कुछ जंगल अधिकारियों को भी सूचित किया। हमें आज तक पुलिस से उस आदमी की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने हम दोनों को बहुत ज्यादा डरा दिया था। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग घर पे ही बैठे होंगे। इस क्वारंटीन में मैं आपको घर पे रहने का एक और रीजन दे रहा हूँ। पुरानी वीडियोस जो इस चैनल पे थी, जो डिलीट हो चुकी थी, वो मैं अब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के IGTV पे डाल रहा हूँ। अगर आपको वो पुरानी वीडियोस एंजॉय करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और घर पे रहो और सेफ रहो। तो चलो तो यारो, मैं निकलता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।